हेलो दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकर के करंट अफेयर के वीडियोस, जो कि आप लोग जितने भी पेपर देने जाते हैं, चाहे वो सीटेट का पेपर हो या अन्य पेपर हो, जो भी आप कंपटीशन के पेपर देते हैं, तो उन कंपटीशन के पेपर में करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो उसको मैं देखते हुए आपके लिए एक करंट अफेयर की सीरीज लेकर के आया हूँ, जो कि रोज़ शाम को आपको मिलेगा। पर डे एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा, पिछले एक साल का करंट अफेयर आप सभी को रिवाइज कराया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, एक नई पहल है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का साथ मिलेगा। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, जो कि करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और ये विगत कुछ महीनों पहले हुए हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। प्रश्न है कि 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, नेशनल वोटर डे कब मनाया गया? तो ये 25 जनवरी 2023 को मनाया गया। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखते रहेगा, 25 जनवरी 2023 को मनाया गया। इसका विषय क्या था? तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर साल वोट देता हूँ, ये इसका विषय था। इस अवसर पर आयोग द्वारा प्रदर्शित गीत का क्या नाम था? तो इस गीत का नाम था मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। तो ये मतलब वहाँ पर गीत था, प्रदर्शित गीत था, और इसकी थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा इसकी थीम, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं हर हाल में वोट देता हूँ, ये थीम है, ये आप लोग याद रखिएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे क्या है कि भारतीय टेलीग्राफी यानी भारतीय टेलीग्राफ अवसंरचना सुरक्षा नियम 2022 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2023 को प्रकाशित किया गया था। इस नियम को किस विभाग द्वारा तैयार किया गया है? तो दूर संचार विभाग के माध्यम से इसको तैयार किया गया है। अगला है कि लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है जिसने लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित किया है। ठीक है, आगे क्या है कि भारत सरकार ने किस मंत्रालय को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने किस मंत्रालय को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, संगठन पर किस अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया है? तो UAPA के माध्यम से, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के माध्यम से, इसके ऊपर 1967 में ये आया था, उसके तहत, उस अधिनियम के तहत इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है कि वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो ये 19 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है कि गुजरात की मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो भूपेंद्र भाई, ठीक है, याद रखिएगा, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन्होंने क्या किया गया है? गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं INC के हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। आगे है कि असम सरकार ने परिसीमन से पहले कितने जिलों के विलय की घोषणा की? परिसीमन का मतलब क्या होता है? किसी जिले को मिलाना या उसमें क्या करना, उसको विभाजित कर देना। तो परिसीमन से पहले कितने जिलों के विलय की घोषणा करी थी? तो 4 जिलों के विलय की घोषणा करी थी। कौन कौन से जिले हैं? तो विश्वनाथ, होजई, वजाली और तमुलपुर। ठीक है, इन 4 जिलों का विलय किसके साथ में किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी पेपर में आ भी सकता है कि कौन कौन से जिले किसके साथ में मिल गए हैं। तो विश्वनाथ को सोनितपुर के साथ में मिला दिया गया है, होजई को नंगांव के साथ में विलय कर दिया गया है, बजाली को बारपेटा के साथ में मिलाया गया है और तमुलपुर को बक्सा के साथ में मिलाया गया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ जो है एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, इससे सपोर्ट हमको भी मिलेगा और आगे सीरीज लाने में। ठीक है, हम लगातार सीरीज लेकर के आएंगे और जो करंट अफेयर बनते हैं आपके पूरे एक साल के, तो हम उन्हीं चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
अगला क्या है इसमें कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा बन गया है। ठीक है, प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बन गया है, तो धर्मदास केरल में है, ये पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों के कौन कौन से नाम है जो नए अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, ठीक है, सारणगढ़, विलाईगढ़, खैरागढ़, हुई खादान, गंगड़ी, ठीक है, और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर शक्ति, ये जो हैं ये नए नवगठित जिले हैं जो कि बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल कितनी संख्या हो गई है, तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 हो गई है, 33 हो गई, ठीक है, जिलों को बढ़ा करके 33 कर दिया गया है। आगे है कि किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया, कौन सी ऐसी सेना है जिसमें नए ध्वज का अनावरण किया गया है, तो वो भारतीय नौसेना है जिसका अनावरण किया गया। ठीक है, नए ध्वज किससे प्रेरित है, तो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित हुआ है। ठीक है, किसने किया है, तो ये अनावरण जो है वो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी दे दिया है, तो परिवार कल्याण जो है वो कार्ड जारी करने के लिए वो उत्तर प्रदेश में मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मंजूरी दे दिया गया है। आगे, कितने अंक का ये फैमिली कार्ड बनाया जाएगा, तो ये 12 अंकों का फैमिली कार्ड बनाया जाएगा। प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, कई सारे हैं जैसे आधार कार्ड वगैरह है, ये कितने अंकों का होता है, ठीक है, 12 अंकों का होता है, तो इसी प्रकार से जो हमारा परिवार कल्याण कार्ड है वो कितने अंकों का बनाया जाएगा, ये भी 12 अंकों का ही बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके किसने लिया है, किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है, तो ये शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। ये याद रखिएगा कि पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या परिवर्तित कर दिया है, किसके नाम पर रख दिया है, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया है। ठीक है, एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ भी सकता है। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, किस वर्ष विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण लेने का आह्वान किया है, तो 2047 तक, ठीक है, पंच प्रण लेने का आह्वान कब किया है, 2047 तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, अगर कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमको पता लगे कि हाँ हमने कहाँ गलत कह दिया है या गलत कुछ कह बोल दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है कि 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, 15 अगस्त 2022 को यानी पिछले साल कौन सा मनाया गया, इस साल 77वां मनाया गया था और पिछले साल 76वां मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, आगे क्या है कि इस दिन भारत को स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए, 2022 में तो 75 साल हो गए थे, आपको पता है 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांति काल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टाइम मतलब उस टाइम में जो किया जाता है वो पेपर में जरूर आता है, तो उसके हो जाएंगे आंसर नायक देवेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। ठीक है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है, तो नीतीश कुमार ने 8वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि हाल ही में असम और किस राज्य की सरकार ने सीमा विवाद के समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर कर लिए हैं, तो हस्ताक्षर मिजोरम सरकार ने करा है। ठीक है, असम और किस सरकार ने, ठीक है, तो असम और मिजोरम सरकार ने सीमा विवाद पर, ठीक है, सीमा विवाद पर क्या कर लिया है, समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा लिया है। ठीक है, असम और मिजोरम कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं, तो 164.6 किलोमीटर सीमा आपस में साझा करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं, तो इस समय उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है, जो कि 14वें हैं। ठीक है, आगे है कि दंड प्रक्रिया अधिनियम द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 कब से लागू होगा, तो ये 4 अगस्त 2022 से लागू होगा। ठीक है, आगे क्या है कि
संविधान अधिनियम किफ अधिनियम का स्थान ले लेगा। तो ये बंदी की शिनाख्त अधिनियम जो है 1920 में आया था उसकी जगह ये हमारा ले लेगा। ठीक है, आगे है कि किस राज्य ने अपने एक जिले के नाम को बदलने हेतु आदेश जारी किया है। तो एक जिले का नाम बदलने के लिए आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने आदेश जारी किया है। आंध्र प्रदेश ने अपने किस जिले का नाम बदलने के लिए कहा है, तो कौन सीमा जिला जो है उसने बदलने के लिए आदेश जारी किया है। अब इसका नाम बदल करके क्या रख दिया जाएगा, तो बी आर अम्बेडकर कौन सीमा जिला रख दिया जाएगा। ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। सो प्लीज़ सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप सभी को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वो तो आपकी आवश्यकता के अनुसार है, अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, जो भी पढ़ाया जाएगा सबका पीडीएफ आप सभी को ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले के सृजन की घोषणा कर दी है, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नए जिलों को शामिल करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, अगर इन 7 जिलों को शामिल कर लिया जाएगा बंगाल में तो कितने जिले हो जाएंगे, टोटल 30 जिले हो जाएंगे। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 30 जिले हो जाएंगी। आगे है कि कारगिल क्षेत्र में ट्रांस स्थित, ठीक है, ट्रांस स्थित जो पॉइंट है 5140 है, ठीक है, का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो 5140 का नया नाम कर दिया गया गन हिल। ठीक है, गन हिल पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है पेपर में। ठीक है, अगला ये कि नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया है, तो ऑपरेशन विजय में। ठीक है, ऑपरेशन विजय में जो शहीद हुए थे उनकी याद में उस पॉइंट को 5140 पॉइंट का नाम बदल के गन हिल रख दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद करिए रखिएगा। आगे गया कि नामशाही घोषणा पत्र किन दो राज्यों के सीमा विवाद समाधान से संबंधित है। नामशाही ये कहाँ पर है भाई, ये अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में ये सीमा विवाद का काम कर रहा है। ठीक है, सीमा विवाद है। आगे क्या है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी, ठीक है, शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है। तो शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन बिहार, ठीक है, बिहार राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। अगला प्रश्न है भाई, प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर राष्ट्रपति के शोक का अनावरण किया गया है, तो आप सभी को पता है जो हमारी नई संसद है उसकी छत पर, ठीक है, राष्ट्रपति अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। ठीक है, अगला है कि ये जो किफ धातु से बनाया गया है, जो अशोक स्तंभ है, जो राष्ट्रपति हमारा है, वो किफ धातु का बना हुआ है, वो कांसे की धातु का बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हुआ है, तो हाल ही में जो चीज़ होती हैं वो बहुत ही जैसे इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, वजन कितना है, तो 9500 किलोग्राम इसका वजन है, उसकी ऊंचाई है तो 6.5 यानी 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है कि भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा बालिका पंचायत पहल जो है वो गुजरात के कच्छ जिले से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले से ये स्टार्ट किया गया है। अगला है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की किसकी अगुवाई वाली न्यायाधीशों की पीठ ने यौन कार्यों को पेशे के रूप में मान्यता दे दिया है, तो एल नागेश्वर राव। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, स्टार मार्क लगा दीजिए, इसको एक बार फिर समझ लीजिए, क्या है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की किस अगुवाई वाली न्यायाधीश की पीठ ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दे दी है। जो भी एडल्ट्री का काम करते हैं उनको एक पेशे के रूप में मान्यता दे दिया गया है, तो उन न्यायाधीश का क्या नाम है, एल नागेश्वर राव वाली, ठीक है, अगुवाई वाली न्यायाधीश में। ठीक है, अगला है भाई प्रश्न है कि औरंगाबाद उस्मानाबाद शहर का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, तो औरंगाबाद का नाम बदल करके रख दिया गया शामभाजी नगर रख दिया गया है, और उस्मानाबाद का बदल करके नाम रख दिया गया धाराशिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जब दो शहर, ठीक है, सुन लीजिए, यह दो शहर किस राज्य में अवस्थित हैं, जो शहर जो मैंने अभी बात किए हैं तो वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, बिप्लव कुमार देव के इस्तीफे के पश्चात त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो बिप्लव कुमार थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर बने हैं मणिक शाह। ठीक है,
मणिक शाह बने हुए हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। परिसीमन आयोग, ठीक है, किस द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है, तो अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर की बात है, 5 मई 2022 की बात है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य में परिसीमन लाया गया और उसको जो है बांटा गया, ठीक है, अंतिम रूप दे दिया गया। अगला प्रश्न है कि इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो याद रखिएगा रंजना प्रसाद देसाई सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, उन्हीं के माध्यम से ये परिसीमन लाया गया है। अगला है कि अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू और कश्मीर में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है, तो 90 हो गई है, ठीक है, कितनी हो गई भैया, 90 हो गई है। आगे क्या है कि इसमें जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या कितनी कितनी है, तो भाई जम्मू क्षेत्र में 43 है, ठीक है, और कश्मीर क्षेत्र में 47 है, इनको सभी को जोड़ दोगे, ठीक है, तो 90 हो जाएगा, ओके। आगे क्या है कि जम्मू और कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, यानी ST के लिए आरक्षित हैं, तो ये 9 क्षेत्र हैं जो कि आरक्षित रखे गए हैं। और जम्मू एवं कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी भैया, 5 है, ठीक है, कितनी बेटा, 5 है, ठीक है। आगे है कि किस राज्य में नए जिलों का गठन किया गया है, ठीक है, तो किस राज्य में नए जिलों का गठन किया गया है, आंध्र प्रदेश है, संख्या कितनी हो जाएगी, कुल जिले, ठीक है, नए जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 13, ठीक है, 13 नए जिलों का गठन किया गया है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा करी है, तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो 10 मई 2022 को, ठीक है, हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर, यहाँ पर 2022 में चुनाव हुआ था, यहाँ पर सरकारें चुनी गई हैं, ठीक है। आगे क्या है, ये विधानसभा चुनाव कब से कब तक आयोजित हुए थे, तो ये 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक इनका आयोजन किया गया था, ठीक है दोस्तों, पिछले साल हुए थे, तो सब लोग याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर चुनाव हुआ था, ओके। प्रधान आगे क्या है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था, तो भैया ये 7 चरणों में हुआ था, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे क्या है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं ये आम आदमी पार्टी के भगवंत मान बनाए गए हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कि पंजाब में जो आम आदमी पार्टी थी उसने जीता और वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बना दिया गया है, ठीक है। आगे क्या है कि लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो गोवा के मुख्यमंत्री सावंत जी बने हैं, प्रमोद सावंत, ये प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के पद पर शपथ किसने लिया है, तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो है वहाँ पर क्या किया है, मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लिया है, ठीक है। आगे क्या है कि मणिपुर के लगातार दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं, लगातार दूसरे और मणिपुर के बने हुए हैं, तो ये हो जाएगा यन बीरेन सिंह, ठीक है, यन बीरेन सिंह यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है कि लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया है, सभी को पता है योगी आदित्यनाथ ने लिया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दे दिया है, तो मध्य प्रदेश में 3 स्थानों का नाम बदलने के लिए मंजूरी दे दिया गया है, कौन कौन से हैं वो स्थल, होशंगाबाद नगर को जो है नर्मदापुरम कर दिया गया है, शिवपुरी को कुंडेश्वर कर दिया गया है, और बाबई को माखन नगर के नाम से कर दिया गया है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, चलिए आगे अगला प्रश्न हमारा आगे है कि राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ठीक है, राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो हमारा के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो ये जम्मू कश्मीर बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विधानसभा, पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किस चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया है, तो पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शेरा नाम का शुभंकर यूज किया गया है, ठीक है। अगला है कि यूपी सरकार ने किस जिले के 4 9, ठीक है, 4 वन गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिए हैं, तो वो बहराइच है, बहराइच के 4 गांवों को
राजस्व गांव, ठीक है, घोषित कर दिए गए हैं। अगला आगे कि दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया? भाई दिल्ली है उसके विश्वविद्यालय की विधेयक है, तो ये दिल्ली विधानसभा के द्वारा पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बक्करवाला गांव दिल्ली में स्थापित किया गया है। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय बक्करवाला गांव, ठीक है, बक्करवाला गांव दिल्ली में स्थापित किया गया है। आगे क्या है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 किसके द्वारा पास किया गया? तो दिल्ली विधानसभा, दिल्ली की बात है तो दिल्ली विधानसभा के माध्यम से उसको पारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में, ठीक है, ये संशोधन करता है। प्रस्तावित संशोधन के उपरांत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? भैया सदस्यों की संख्या हो जाएगी 56, इसमें 46 निर्वाचित रहेंगे और 10 को मनोनीत किया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए भैया, और लाइक करने के बाद में शेयर वाले बटन को दबा दीजिए जिससे कि सभी तक पहुंच जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे कि हमको एक मोटिवेशन मिलेगा, हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे उसमें और अच्छे से कोशिश करेंगे आपको समझाने की, आपको बताने की, और आप तक जो भी हमारे पास में कंटेंट है उन कंटेंट को आप सभी तक पहुंचाने की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, एक बार सपोर्ट बनाइएगा, फिर मैं और भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। जो भी हमारे डीएलएड भाई बंधु हैं और बीटीसी कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, सबके लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना करंट के आप किसी भी पेपर में जाएंगे तो कम से कम 10 नंबर आप छोड़ के चले आएंगे। तो अगर अभी से कंफर्म करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको याद हो जाएगा। तो एक से दो बार वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद में अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों लेता हूँ आप फिर विदा, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।